हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं लिपिका चौधरी। आज मैं आप लोगों को एक ग्रीन चिल्ली का पौधा दिखाऊंगी, जो ग्रीन चिल्ली वन स्टेम में 8-10 इजीली हो जाता है। बिल्कुल फ्लावरिंग जैसा लग रहा है। मैंने ऐसे ग्रीन चिल्ली हुआ है ना, वन स्टेम में जैसे लग रही है एक फूल। मैंने 8-10 ऐसे ग्रीन चिल्ली खिलता है, तो मुझे मैं कभी नहीं देखा पहले। तो मैं आज आपको वो ग्रीन चिल्ली का पौधे दिखाऊंगी, और ग्रीन चिल्ली में कैसे ग्रीन हुआ है चिल्ली वो भी दिखाऊंगी, और इसको क्या कैसे क्या जाता है वो भी दिखाऊंगी, और कैसे केयर करने के बाद ऐसे ग्रीन चिल्ली का पौधा माने एकदम हरा भरा फला फुला हुआ है वो भी बताऊंगी। तो चलो मेरे साथ ग्रीन चिल्ली का पौधा देखने के लिए। फ्रेंड्स, यही है ग्रीन चिल्ली का पौधा। देखिए वन स्टेम में, जो वन स्टेम में ये देखिए कितना सारा ग्रीन चिल्ली हुआ है। सब स्टेम में ऐसा फ्लावरिंग जैसा ग्रीन चिल्ली हुआ है। एक एक स्टेम में हो रहा है, ग्रीन चिल्ली हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक ही स्टेम में बहुत सारी ग्रीन चिल्ली देखिए। फ्लावर जैसे लग रहे हैं। स्पेशल में कभी नहीं देखा इससे पहले एक ग्रीन चिल्ली। देखिए कितना, और एक बहुत सारी लगाया हुआ है, इधर में भी एक है। तो इसको केयर करने के लिए एक ग्रीन चिल्ली को लगाने से पहले जो मिट्टी है ना, मिट्टी में थोड़ा सा ऐश दिया है। ऐश किसी का भी ऐश का दे सकते हो, काट का भी ऐश दे सकते हो। ऐश देने से क्या होता है, जो मिट्टी में जो पानी पानी धारण करने का क्षमता बढ़ जाता है, फिर गाछ ट्री भी बहुत उर्वर होता है, बहुत गाछ को भी बहुत प्रोटीन मिलता है ऐश से। तो खुदाई करने के बाद पहले थोड़ा सा ऐश दिया है, तो ऐश देने ऐश दे के मिट्टी को थोड़ा सा उर्वर बना लेना है, मैरिनेट करना है।
फिर जो ये ग्रीन चिली का चारा छोटा सा पौधा लगाया हुआ है, बिल्कुल छोटा सा तो पौधा लगाया हुआ है। फिर पानी देना है, तो वाटरिंग करना है। तो जो ऐश देने का मतलब है, तो ऐश देने से क्या होता है, गाछ का जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन वो ऐश से मिल जाता है और पानी धारण करने का भी क्षमता बढ़ जाता है। फिर क्या किया, मैंने इसको जो केयर किया है, जैसे केयर किया है मैं बोल लेती हूँ पहले। तो ऐश देने के बाद तो पौधा, छोटा पौधा लगा लिया, लगाने के बाद वाटरिंग किया। फिर कुछ दिन बाद देखिए, इसको रूट को देखिए, इधर रूट को देखिए। लगाने के बाद कुछ दिन बाद, कुछ दिन 2-3 दिन बाद जो खोल होता है ना, जो मस्टर्ड मस्टर्ड सीड के जो माने छिलके होता है ना, छिलके को इधर में खोल बोलते हैं। तो खोल को पानी में भिगो के रखना है, 2-3 दिन भिगो के रखना है। तो भिगा लेने के बाद, खोल को भिगा लेने के बाद ऊपर का जो पानी है ना, वो पानी 1 लीटर लेना है और 7-8 लीटर पानी के साथ मिला लेना है। वो पानी मिला लेने के बाद इसका रूट इधर है, ठीक थोड़ी देर कुछ माने 1 मीटर दूरी के बाद खुदाई करके वो पानी मिट्टी में दे लेना है, क्योंकि इसका रूट में नहीं देना है, रूट में देने से नहीं होता है। तो खोल का पानी इधर देखिए, इधर में दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा खोल का पानी दिया हुआ है। तो दे लेने के बाद क्या होता है, जो इसका जो प्रोटीन है ना, गाछ ट्री प्लांट शोष लेता है, प्लांट का जो रूट होता है, रूट शोष लेता है, तो सकिंग करता है। तो इसलिए क्या होता है, गाछ में और भी माने प्रोटीन मिल जाता है, और भी ग्रोइंग ग्रो करता है गाछ, प्लांट और भी ग्रो करता है। देखिए इधर में जस्ट 20 डेज हुआ है, छोटा सा 20-30 डेज हुआ है, छोटा सा पौधा लगाया, माने क्या बोलूँ, इस माफिक पौधा लगाया, इससे भी छोटा पौधा लगाया। तो पौधा लगाने के बाद आप देखिए कितना बड़ा हो गया 30 डेज के बाद। फ्रेंड्स, मैं जैसे क्यार किया है वैसे ही बता रही हूँ आपको, तो आप भी ऐसे लगाइए। जो मिट्टी है ना, मिट्टी को पहले ऐश से उर्वर बना लेना है। तो ऐश बहुत ही उपयोगी है प्लांट के लिए, प्लांट प्लांट की जो प्रोटीन वो ऐश से भी मिलता है, और वाटर सकिंग करने का क्षमता भी बहुत बढ़ जाता है। तो फिर प्लांट को लगा लेने के बाद, छोटा सा पौधा को लगा लेने के बाद वाटरिंग करना है, जैसे वाटरिंग करते हैं, और 2-3 दिन के बाद वो खोल का पानी, जो मास्टर सीड के छिलके होते हैं, छिलके का पानी 2-3 दिन, छिलके को 2-3 दिन पानी में भिगा लेना है। भिगाने के बाद वाटर को 7-8 लीटर, 1 लीटर खोल का पानी को 7-8 लीटर क्लीन वाटर से मिला लेना है। मिला लेने के बाद ट्री का रूट से माने प्लांट का रूट जहाँ होते हैं उधर से 1 मीटर दूरियों में वो जो खोल का पानी होते हैं ना, वो नीचे में खुदाई करके, मिट्टी को थोड़ा सा खुदाई करके पानी को गोल गोल देना है, माने दिखे मिट्टी से चापा देना, माने और मिट्टी से ढक देना चाहिए। तो ढक देने के बाद जो गाछ का रूट है ना, वो इससे भी सकिंग करता है, प्लांट जो खोल का पानी शोष लेता है, इससे भी फला फूला पौधा माने बन जाता है। इससे देखिए 30 डेज में इतना ग्रो हुआ है। तो इधर में तो छोटा छोटा चिल्ली हो रहा है, और भी माने होंगे, मैं जस्ट हो रहा है तो आप लोगों को देखा रही हो। देखिए इधर में जस्ट हो रहा है, छोटा 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 ग्रीन चिल्ली हो रहा है, मैं दिखा रही हूँ कितना 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 फल दे रहा है। इधर में भी चिल्ली देखिए, ऐसे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हाँ, ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, अगर
कोई भी शेयर भी करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और किया तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।